उत्तर कोलकाता के वार्ड नंबर 62 में स्थानीय काउंसलर और केएमसी की बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद इन दिनों अपने वार्ड में लगातार इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग कर रही हैं और आज इसी कड़ी में एक और पार्टी ऑफिस का नाम जुड़ गया है। बता दें कि सना अहमद के हाथों आज वार्ड नंबर 62 के हाजी मोहसिन स्क्वायर के पास एक और पार्टी ऑफिस की ओपनिंग की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के कर्मी सभी उपस्थित थे। सना अहमद ने सभी से कहा कि आप यहां से सभी लोगों के लिए काम करें, खास तौर पर हमारी मां माटी मानो सरकार की स्कीमों को घर घर तक पहुंचाएं। इसी के साथ सना अहमद ने उम्मीद जताई कि आने वाले 1 जून को कोलकाता उत्तर लोकसभा के चुनाव में वार्ड 62 एक अहम रोल अदा करेगा और कम से कम यहां से टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को 20,000 की लीड मिलेगी। मैं आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में नदीम अफसर, सोनू, साहिद, फरहान और उनकी पूरी टीम का अहम रोल रहा। सब ने एक होकर कहा कि पूरा वार्ड नंबर 62 सना अहमद, सुदीप बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी के साथ है और इस बार हमारे कैंडिडेट रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, इलेक्शन ऑफिस यहाँ पे अनगिनत खुल चुके हैं। मैंने गिनती छोड़ दिया है, गिनने का कोई मतलब नहीं है। हर पार्ट में, हर जगह, हर ग्रुप है, हर लड़के जितने हैं सब अपने अपने पार्ट में जो इलेक्शन ऑफिस खोल रहे हैं। और वजह यही है कि इलेक्शन का जो काम है वो करने में आसानी होती है। स्क्रूटनी वगैरह करना होता है, वोटर स्लिप बांटना होता है, एरिया को जो है पूरा सजाना होता है। वर्कर्स का बहुत कुछ ऐसा काम है जो आपका यहाँ पे होता है। और जो वार्ड के जो लोग हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो लोग पार्टी ऑफिस में आके एरिया में खबर करते हैं, तो उनकी काम भी जो है यहाँ से देखी जाती है। तो ये चीज़ का बहुत फ़ायदा रहता है इलेक्शन के टाइम में, एक इकट्ठे होने का, एक सब एक जुट रहने का सबको एक मौका मिल जाता है। देखिए, रिव्यू आप पब्लिक से भी लीजिए, पब्लिक का भी यही रिव्यू है, यहाँ के लोगों का भी यही रिव्यू है कि एक सेलिब्रेशन का माहौल सिर्फ आज से ही नहीं, मैं जब से इलेक्शन लड़ रही हूँ, इलेक्शन जब भी आता है ऐसी सेलिब्रेशन वाले इलेक्शन होता है। यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता, कोई भी अपोजिशन नहीं रहता, सब कुछ एक तरफा है। पूरे 62 वार्ड में लोग दिल से दीदी को प्यार करते हैं और जहाँ दीदी ने दिल में सबके लिए जगह बना लिया है और हमें इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, एक मीडिया का एक वो क्रिएट किया हुआ रहता है, गोदी मीडिया है हर जगह, तो जब तक वो नेगेटिव दिखाएंगे नहीं, लोगों के माइंड में एक नेगेटिव बात डालेंगे नहीं, तो वोट खराब कैसे होगा। इस वजह से एक एजेंडा जो है ऐसी गोदी मीडिया फैला रही है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सुदीप दा 4 बार के MP रह चुके हैं, कितने बार के MLA रह चुके हैं, इतने सीनियर MP हैं और नॉर्थ कोलकाता में हम लोगों को उनसे अच्छा चेहरा कभी नहीं मिल सकता। देखिए, ये ज्वाइन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में लोग नहीं ज्वाइन किए, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है जो कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि पूरा वार्ड एकजुट है, सब एक जगह है। पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, जितने वर्कर्स मेंबर्स, सब एक जगह हैं और वो रिजल्ट में ही पता चलेगा। देखिए, ये मैं फिर कहूँगी, एक मीडिया का हाइप है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो गोदी मीडिया ही फैला रही है, कैसे करके मुस्लिम वोट को काटा जाए और जो है पोलराइजेशन को दावत दी जाए, उससे हम सबको बचना है, खास करके हम सब मुसलमानों को। आज तक हम लोग ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में रह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी तरह की तकलीफ हम फेस कर रहे हैं जो आज UP वगैरह में हो रहा है? कुछ भी ना खाने पीने का, ना रहन सहन का, ना गवर्नमेंट की सहूलतों का, ना गवर्नमेंट की स्कीम्स का, किसी चीज़ में तो कटौती मुसलमान को नहीं मिलती। तो ये क्या क्रिएट किया हुआ एक सिचुएशन है जो यहाँ के जो कुछ मैं कहूँगी सेल्फिश लोग हैं जो यहाँ वहाँ पार्टी करके मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं दीदी का वोट काट के। इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का टीम बहुत एक्टिव है, हाजी का टीम यहाँ पे, इन बहुत लड़के यहाँ जुड़े हुए हैं और मैं उनको मुबारकबाद दूंगी कि बहुत अच्छा ऑफिस उन्होंने किया, सही वक्त में किया। लोगों के काम आते हैं ऐसे लोग और हमेशा मेरी भी यही उनको एडवाइस रहती है कि हमें सिर्फ पब्लिक का काम करना है, पब्लिक के साथ रहना है। आज अगर पब्लिक के दिल में हम जगह बना लेंगे तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 62 वार्ड के लोगों से क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि आप लोग 1 तारीख को आप लोग जाइए, अपने अपने पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ में जाइए और एक नंबर बटन में दबा कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सुदीप दा को जुटाइए। इंशाल्लाह हम लोग 20,000 का लीड का टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन के वक्त में काम होता है, जैसे वोटर स्लिप लोग बांटते हैं, वोटर को कोई अगर प्रॉब्लम है तो इस वजह से हम सबका हर वक्त काउंसलर के ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये एरिया में कस्टम शुरू से रहा है कि एरिया में हर जगह पार्ट पार्ट में एक ऑफिस ओपनिंग करते हैं
जहाँ से इलेक्शन का काम को अंजाम दिया जाता है। ये ऑफिस है, पहले से है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, पार्टी के लोग लड़के बैठते हैं यहाँ पर अभी इसको हम लोग इलेक्शन के लिए इलेक्शन ऑफिस की तरह से इस्तेमाल करेंगे। सारा इलेक्शन का जो इस पार्ट का जो काम होगा इस इलाके का, हम लोग यहीं से ऑपरेट करेंगे उसको। आने वाले 1 जून को 62 नंबर वार्ड में क्या होने जा रहा है? देखिए, 62 नंबर वार्ड शुरू से सना अहमद और इकबाल अहमद के साथ रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी ने जो काम इस इलाके के लिए किया है, हमारे MLA ने जो काम किया है, तो वोट यहाँ वहाँ होने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये आज सना अहमद हम लोगों से मिलने आई है गुजारिश के साथ, और ये गेट टुगेदर है, मतलब वो हम लोग से आकर के इलेक्शन का एक मौका है, ऐसे भी जुड़ी हैं हम लोगों से, तो इस महाने हम लोग मुलाकात यहाँ करते हैं। पर 62 नंबर वार्ड में ममता बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय और इकबाल अहमद, सना अहमद के अलावा लोग और किसी की तरफ देखते नहीं, क्योंकि ये लोग काम किए हैं, लोग आज से नहीं, सालों से लोगों से जुड़े। और आज मामला ये है कि वो सिर्फ हम लोग के इलाके के काउंसिलर नहीं है, आज वो घर घर की, हर एक घर की एक मेंबर की तरह है हम लोगों की। तो हम लोग, उन्होंने हमें हमारा साथ दिया है इतने सालों से, तो आज हमारी जिम्मेदारी है, इस वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी है कि आज उनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 1 जून को सुदीप बंदोपाध्याय को एक बार फिर से जिताने का काम हम लोग इंशाल्लाह करें। देखिए, पहले बात तो मैं, जैसे हमारे काउंसिलर ने भी कहा, हम भी इस बात को रिपीट करना चाहेंगे कि कुछ लोग नहीं, 2-4 लोग गए हैं। ये इलेक्शन के वक्त ये होता है, पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, इससे ना पहले कोई फर्क पड़ा है ना आज कोई फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। रिजल्ट जो लीड हुआ था 62 नंबर वार्ड में, हमेशा इस बात को कहता हूँ कि नॉर्थ कोलकाता में 62 नंबर वार्ड लीड करता है हर बार, इस बार हम लोग खुद के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे इंशाल्लाह। मैसेज ये है कि जैसे 1 जून को आइंदा आप लोग जाएं, जोड़ा फूल के निशान पे 1 नंबर हमारा कैंडिडेट 1 नंबर है, बटन भी हमें 1 नंबर ही मिला है, 1 नंबर बटन पे दबाकर मैक्सिमम जितना ज़्यादा, और ये मैसेज है, ये आप सिर्फ वोट नहीं देंगे, इस बार पैगाम देंगे दिल्ली में बैठे तानाशाह लोगों को कि देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी, देश के लोग, यहाँ के जनता उसके साथ खड़े हैं जो उनके बारे में सोचेगा, जो उनका काम करेगा। सिर्फ झूठे जुमले के भरोसे आप सरकार नहीं चला सकते इस देश के अंदर। देखिए, आज जो यहाँ हम लोग मुत्तहिद हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन हम लोग यहाँ नदीम भाई के पास चाय वाय पीने के लिए आया जाते रहते हैं, ये एक संगठन की जगह है, और नदीम भाई ने अपने इलाके में यंग बच्चों लोगों को लेकर काफ़ी मजबूत किया, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ज़्यादातर तालिब इल्म हैं, ज़्यादातर यंग बच्चे लोग हैं जो लोग उनके साथ आ रहे हैं। ये इसलिए किया गया है कि हमारे वोटर जो है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी को नेम में गलती है, किसी का एड्रेस में गलती है, कोई समझ नहीं पा रहा, तो लोग आते हैं पूछने के लिए। तो हम लोग इसीलिए हर पार्ट में एक हेल्पलाइन खोला है कि लोग आएँ, अपनी तकलीफ को बताएँ, और अपनी तकलीफ दूर करने के लिए जो बच्चे हैं उन लोग अपना बता रहे हैं कि भाई यहाँ से इस तरीके से काम करना है। बहुत से वोटर्स घबरा जाते हैं, वो जो है से उनको पोलिंग स्टेशन पता नहीं चलता है, वो गलत जगह पे चले जाते हैं पेपर लेके। तो इस तरह का जो है वो पार्ट वाइज इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग मौजूद हैं उन्हें दुश्वारी ना हो इलेक्शन पीरियड में। तो माशाल्लाह की एक अच्छा कदम है, और इस चीज़ को मुबारकबाद देते हैं नदीम भाई को। माशाल्लाह काफ़ी यंग बच्चे उनके साथ हैं और सबको लेकर ये जोड़ के काम करते हैं और बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे आने के बाद में, बच्चों से मिलने के बाद में, जिस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमारा जो लीडर है इकबाल अहमद, आज वो ऑन बेड है, लेकिन उनकी जगह जो उनकी बच्ची एट प्रेजेंट काउंसलर है। हम गर्व के साथ कहते हैं कोई गली, कोई रोड, कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पर किसी ने आवाज़ दिया हो कि सना अहमद आपकी ज़रूरत, और वो ना गई। इसलिए आज हम पूरे फख्र के साथ कहते हैं कि 62 वार्ड का आवाम उनके साथ है, औरतें उनके साथ हैं, ममता बनर्जी की मोहब्बत आवाम के साथ है, आराम की मोहब्बत ममता बनर्जी के साथ। आज जिन्होंने, ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है और जो काम किया है पूरे बंगाल के लिए, वो काबिल तारीफ। आप देख रहे हैं कन्या श्री, रूपा श्री, लक्ष्मी भंडार, जितनी भी चीज़ें की हैं, और यहाँ औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत पहले से मिला है और मिलता रहेगा इंशाल्लाह। ये दीदी का कारनामा है इसलिए, और दीदी ही वाहिद एक ऐसी लीडर है जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ रही। और ये पैसा वाले की पार्टी, ये खूनखार पार्टी जो दिल्ली पे अपने ताकत पे हुकूमत कर रही है, ये बंगाल को भी कुचलना चाहती है कुछ बिकाऊ लोगों के थ्रू, जिनको पैसे देकर कांग्रेस में भेजकर मदद करना चाहती है। आज आप कभी सुना है तापोस जी, तापोस राय विमान बोस से आगे मिलते हैं पार्टी ऑफिस में, क्या है भाई, ममता बनर्जी को हराना। अरे ममता बनर्जी कोई मजाक नहीं, आप उसे हरा देंगे। ममता बनर्जी जमीन स्थल से मेहनत करके लोगों को जोड़ के यहाँ तक पहुँची, अपने लड़ाई लड़ी है वो बंगाल के लिए, अपना खून दिया है, गोली खाई है मटियापुर जी, तब जाके ममता बनर्जी बंगाल में बनी। आप लोग सब मिल के इकट्ठा होके रात की तारीकी में बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के खरीदे गए हैं, 2-4 जिनका कोई वजूद नहीं, बल्कि और कांग्रेस का नुकसान उस तरह के लोगों से, इसको समझने की ज़रूरत, और आप लोगों को बताने की ज़रूरत अपने पार्ट में।
बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मां माटी मानो जिंदाबाद, आप लोग भी खुश रहें। एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस टीवीआर हेल्थ केयर टू यू ऑल। All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. उम्रा और हज के सफर पर चले अलजना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। टिकट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।